हेलो हाँ बच्चों अब आ रही होगी बच्चों आवाज अब हाँ, आरी, आरी good, good आ रही होगी हाँ आ रही आ रही होगी बच्चों सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बच्चों गुड गुड इवनिंग थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी माइक में प्रॉब्लम हो गई थी गुड आफ्टर गुड इवनिंग बच्चों मेक इट इज प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है बच्चों जैसे हमने आपको सैटरडे को बताया था बच्चों कि हम मंडे से एक सीरीज लेके आ रहे हैं एमसीक्यू सीरीज लेके आ रहे हैं और इस सीरीज में बच्चों हम जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कुछ नए क्वेश्चन भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं तो ये क्वेश्चन ये जो सीरीज होगी बच्चों एम की जो सीरीज होगी ये बेसिकली फोकस डी आर के एग्जाम को फोकस में रखते हुए हमने ये सीरीज जो है लाई है अभी यूट्यूब पर अभी फिलहाल जो है हम एम की प्रैक्टिस इसमें करेंगे और ये जो आपकी चाहे फीडर हो बच्चों मशीनिस्ट हो आपका टर्नर हो वेल्डर हो इवन कारपेंटर वाले भी इसका फायदा उठा सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन हैं बच्चे आपके क्या होते हैं कॉमन होते हैं ठीक तो इसका आप फायदा उठा सकते हो बच्चों मैक्सिमम जो क्वेश्चन इसमें मिलेंगे बच्चों इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन जो है इसमें मिलेंगे ठीक और कुछ क्वेश्चन पे कुछ क्वेश्चन जो है बच्चों हम अलग से एक टॉपिक वाइज भी बाद में लेके आएंगे टॉपिक वाइज टॉपिक वाइज जो है एमसी क्यू हम लेके आएंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मेटल पढ़ा है बच्चों तो मेटल से रिलेटेड जो एम सी क्यू होंगे वो हम करेंगे मशीन टूल अगर पढ़ा है बच्चों हमने मशीन टूल जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका ड्रिलिंग आपका लेथ मशीन आपका ग्राइंडिंग मशीन मशीन टूल जो आपकी मशीन है जो आप पढ़ते हैं उससे

ठीक तो बच्चों शुरू करते हैं हम शुरू करते हैं हम आज का अपना एमसीक्यू का सेक्शन सेक्शन जो है वो शुरू करते हैं बच्चों पहला जो क्वेश्चन है बच्चों पहला जो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा बच्चों स्क्रीन पे अगर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है द एंगल ऑफ वी वेल्ट इज वी वेल्ट और वी वेल्ट कहां पर यूज करते हैं बच्चों वी बेल्ट जैसे ही आपके जैसे ही मैं अगर मैं वी बेल्ट बोलता हूं तो आपको पता होना चाहिए बच्चों वी बेल्ट किसके लिए किसके लिए यूज होता है वी बेल्ट अगर आपने देखा होगा आपने कहां पर देखी होगी मशीन में देखी होगी पावर को ट्रांसमिट करने के लिए नीचे आपने देखा होगा मशीन जो होती है वहां से उस की मोटर से अगर पावर आपके स्पिंडल में ट्रांसमिट करनी होती है तो आपने देखा होगा वहां पर मैक्सिमम जो मशीन है आपकी जो आपकी हल्की मशीन होती है उनमें आपको क्या होती है बेल्ट लगी होती है पुली होती है और पुली के थ्रू आपका बेल्ट लगी होती है वी बेल्ट और उसके थ्रू आपका क्या होता है आपका

ठीक है वी तो वेल्ट का जो एंगल होता है बच्चों वी वेल्ट का जो एंगल होता है तो कोई कोई बताएगा जल्दी से बताइए जल्दी से रिप्लाई दीजिए फास्ट रिप्लाई तो जल्दी से फिर फास्ट रिप्लाई कोई नहीं बेटा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम ठीक एंगल वी वेल्ट की जो होती है आपकी उसका जो एंगल होता है बच्चों वो कितना होता है आपका वो होता है आपका 40 डिग्री कितना होता है आपका फोर्टी डिग्री तो आंसर जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा आपका वो ए जो है आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसमें आपका सही हो जाएगा तो पहले का जो है आपका ए जो है आपका क्या होगा बच्चों ऑप्शन होगा इसके बाद अगर बच्चों नेक्स्ट आगे बढ़े अगर हमें आगे बढ़े तो दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है बच्चों बहुत सिंपल है आप सबने बच्चों वेल्डिंग पढ़ी है वेल्डिंग पड़ी है दूसरा क्वेश्चन जो ये पूछ रहा है बच्चों क्या पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूजन वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग किसे कहते थे बच्चों जब हम वेल्डिंग करने से पहले दोनों जो फेसेस होते हैं जिन दो फेस को हमने वेल्डिंग करना होता है बच्चों उनको क्या करते थे फ्यूज करते थे मेल्ट करते थे लेकिन वो पूछ रहा है बच्चों कि इसमें से कौन सी वेल्डिंग जो है वो फ्यूजन वेल्डिंग नहीं है मतलब उसके फेसेस को हम मेल्ट नहीं करते उसमें हम फ्यूजन नहीं करते सॉलिड स्टेट में ही उसको क्या कर देते हैं वेल्ड कर देते हैं इसे कहते हैं बच्चों सॉलिड स्टेट वेल्डिंग सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कौन कौन सी होती है बच्चों आपकी फ्रिक्शन वेल्डिंग है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग है और इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी आपकी वेल्डिंग ऐसा बहुत सारी वेल्डिंग है जिसको आप किस कैटेगरी में रखते हो आप फ्यूजन उसमें रखते हैं क्या कहते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में रखते हैं तो पूछ रहा है बच्चों की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल्डिंग कौन सी जो इसमें से फ्यूजन वेल्डिंग है आर्क वेल्डिंग गैस वेल्डिंग थर्मिट वेल्डिंग और फॉर्ज वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग वेल्डिंग में हम बच्चों इलेक्ट्रिक आर्क से क्या करते हैं से जो हीट मिलती है उसका मतलब करते हैं मेटल को मेल्ट करने के लिए तो ये भी नहीं हो सकती बच्चों मतलब हो, तो थर्मिट वेल्डिंग तो हो ही नहीं सकती क्योंकि यहां पर तो मेटल पिघलाया जाता है केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है थर्मिट वेल्डिंग में किस की एल्यूमिनियम आपका एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड का इसका मिक्स मिक्स करके इसको जब हम मेल्ट कराते हैं तो स्लैग ऊपर आ जाता है और नीचे आपका आयरन हो जाता है आयरन ऑक्साइड क्या है आपका, के अलग हो जाएगा तो बच्चों इसका ऑप्शन जो होगा कितना क्या होगा इसका एक ही बच्चा बच्चों कौन सा फोर्ज वेल्डिंग और फोर्ज वेल्डिंग क्या होता है बच्चों जैसे आपकी लोहार अगर आपने ब्लैक स्मिथ को देखा होगा तो पहले के टाइम में जो वेल्डिंग होती थी तो कैसे होती थी बच्चों दो अगर ये दो फेस इसके मेरे को बट फेसेस जो है इसको वेल्ड करना है तो मैं क्या करता था बच्चों इन दोनों फेसेस को गर्म करता था जैसे लोहार जो है अपनी भट्टी में गर्म करता है उसको कब तक करता है जब तक कि वो रेड हीट ना हो जाए उसके बाद इसको आपस में करके, इसके आपस में में क्रॉस करके इसके एंगल में ऐसे करके इसको ठोक पीट के बच्चों क्या कर देता था ठोक पीट के करके क्या होता है उसको वैसी सेप देता था जैसी इसकी है इससे क्या हो जाता था बच्चों कुछ थोड़ी बहुत कुछ टाइम बाद उसको ठोक पीट के थोड़े से समय में ही क्या हो जाता था वो आपका एक ज्वाइंट बन जाता था उसको हम मैं बार-बार क्या करता था उसको हीट करता था और ऊपर से एक बाय एक्सटर्नल प्रेशर देके हैमर से उसको एक्सटर्नल प्रेशर देके मैं अपना ज्वाइंट क्लियर करता था तो ये वाला जो है बच्चों ये क्या है मेरा ये है आपका फॉर्ज वेल्डिंग इतनी बात मेरी क्लियर हो बच्चों अच्छा आगे चलते हैं बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन जो है आपका, machine, है आपका डेली मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऑफ मशीन बच्चों का ये क्वेश्चन जो है बच्चों किस चीज का है मेंटेनेंस का है वो बोल रहा है बच्चों कि डेली मेंटेनेंस जो हम करते हैं अपने अपने इंडस्ट्रीज में अपने वर्कशॉप में डेली मेंटेनेंस हम करते हैं बच्चों तो डेली मेंटेनेंस जो है बच्चों क्यों करते हैं हम मतलब आ, रख रखाव को जो है वो इन आ, इन लोग इनमें से जो आपकी निम्नलिखित तो जो मेंटेनेंस है इनमें से किस कैटेगरी में हम रखते हैं तो डेली मेंटेनेंस ऑफ मशीन इज कॉल्ड ब्रेक डाउन मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चों मेंटेनेंस क्यों नहीं हो सकता बच्चों ठीक कोई ऑप्शन बताइए में जल्दी से बताइए कोई दी दे, बताइए डेली मेंटेनेंस का डेली मेंटेनेंस डेली मेंटेनेंस डेली मेंटेनेंस ऑफ मशीन इज कॉल्ड बच्चों ब्रेकडाउन मेंटेनेंस नहीं हो सकता बच्चों क्यों नहीं हो सकता ब्रेकडाउन का मतलब है जब खराबी आएगी तभी उसकी मेंटेनेंस होगी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का जब खराबी आएगी बच्चों तभी होगी तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस तो हो नहीं सकता ठीक रूटीन मेंटेनेंस हम डेली करते हैं डेली बेसिस में भी करते हैं वीकली भी, भी करते हैं और मंथली भी करते हैं तो ये हो सकता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस तो हम इसलिए करते हैं बच्चों ताकि जो है एकदम खराबी ना आ जाए हम रेगुलरली उसको करते रहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस उसका चेकअप करते रहते हैं ठीक और ऑल ऑफ द अबाव तो इसका जो ऑप्शन होगा बच्चों डेली मेंटेनेंस किस में आएगा आपका रूटीन में और रूटीन में डेली भी आएगा वीकली भी आएगा और मंथली भी आता है ये सारे के सारे जो है बच्चों ये किसमें आता है आपका रूटीन मेंटेनेंस में आता है ठीकिंग क्लीनिंग भी आपकी किसमें आती है रूटीन में आती है इतनी बात क्लियर होगी आपका ऑयलिंग करना ये भी आपका रूटीन हो सकता है ये भी क्या आपका रूटीन है तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों डेली मेंटेनेंस ऑफ मशीन टूल इज कॉल्ड इज कॉल्ड रूटीन मेंटेनेंस जो बिल्कुल दिनचर्या का हिस्सा है ठीक नेक्स्ट बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे अगर बढ़े

और ये क्या ये होता है आपका कौन सा होता है और यह होती ये इसके बाद जो ये लिखा रहता है ये होता आपका क्या? ये होती आपकी पिच क्या होती है बच्चों आपकी पिच तो स्क्रू जो, जो है स्पेसिफाइड किया जाता है बच्चों किससे आपका या तो मेजर डायमीटर और पिच से तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कौन सा हो जाएगा बताइए जल्दी बताइए बताओ कौन सा हो जाएगा मेजर डाया बिल्कुल सही बच्चों बिल्कुल सही इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका मेजर डाया बिल्कुल सही बच्चों पितोसल सी तो हलदार सी बिल्कुल पिच डायमीटर कैसे हो जाएगा बच्चों पिच सी बलराम सरकार सी पिच डायमीटर नहीं होगा बच्चों पिच डायमीटर नहीं होगा आप कंफ्यूज क्यों वो पिच नहीं वो पिच डाया है वो पिच नहीं है वो क्या है आपकी पिच डायामीटर है कंफ्यूज मत होइए बच्चों ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा स्क्रूज स्पेसिफाइड बाई किस से मेजर डायामीटर और पिच से पिच डायामीटर नहीं बच्चों पिच डायमीटर नहीं क्या होगा आपका पी, क्या होगा आपका मेजर ये क्या है मेजर वाली क्या है पिच तो इसमें से कौन से से कौन में बच्चों 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 ये ये है से मेजर है 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 इसमें तो पहला जो option है बच्चों ये, आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा जाएगा सही इतना confused नहीं हो ना बच्चों। नहीं है, वो आगे बढ़ते हैं बच्चों इन होल बेसिस सिस्टम 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 बच्चों इन होल होल बेसिस लिमिट सिस्टम विभिन्न फिट्स प्राप्त की जाती है इन होल बेसिस लिमिट सिस्टम डिफरेंट फीड्स आर ऑप्टेन बाय कैसे किया जाता है बेटा सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए बेटा लिमिट फिट टॉलरेंस का मैं आप ये चीज पढ़ते हो सबसे पहली बात तो बच्चों होल बेसिस सिस्टम में होल का साइज जो है अब क्या रहता है आपका कांस्टेंट रहता है क्या रहता है होल का साइज आपका क्या रहता है कांस्टेंट रहता है और साफ्ट सिस्टम में साफ्ट का साइज आपका क्या रहता है कांस्टेंट रहता है अब ये देखो होल बेसिस सिस्टम में क्या बच्चों क्या है आपका कौन सा साइज कॉन्स्टेंट रहेगा आपका होल साइज कॉन्स्टेंट रहेगा तो और कौन सा आंसर सही हो जाएगा बच्चों होल साइज कॉन्स्टेंट तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका जल्दी से बताइए बच्चों जल्दी से बताइए इसमें क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही बचाओ बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल सही डी बिल्कुल सही आज का हमारा बिल्कुल सही रोशन को एक तो कोटारी बिल्कुल सही हरिओम शर्मा बिल्कुल सही बिल्कुल सही डी है बचो ओके बिल्कुल सही है बचो डी सपना विश्वकर्मा डी बिल्कुल सही है बच्चों बिल्कुल सही है ठीक आगे होल बेसिस सिस्टम है बच्चों क्या होगा आपका होल बेसिस सिस्टम में होल का जो साइज है आपका और एक चीज बच्चों एक एक चीज आप और नोट कर लीजिए ज्यादातर ज्यादातर जो हम यूज करते हैं बच्चों वो कौन सा करते हैं हम होल बेसिस सिस्टम करते हैं हम होल को कांस्टेंट रखते हैं और अपने साफ्ट के साइज को क्या करते हैं वेरिएशन देते हैं साफ्ट को हम ऊपर नीचे करते हैं इतना आप ध्यान रखिए ज्यादातर यूज होने वाला जो सिस्टम है बच्चों वो कौन सा है आपका होल बेसिस सिस्टम है अच्छा आगे बढ़ते हैं बेटा वट इज मेजर्ड बाई साइन बार साइन बार से हम क्या मेजर करते हैं बच्चों साइन बार से हम क्या मेजर करते हैं जल्दी बचाइए फटाफट -फड़ बताइए बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत साइन साइन बार से हम क्या मिलते हैं कैप्ट होल साइज वेरी सॉफ्ट साइज बिल्कुल बच्चों बिल्कुल देखो कभी कभी जो बच्चों कभी कभी जो है क्वेश्चन में जो है बहुत कभी कभी क्या देता है ऑप्शन डबल ऑप्शन में आ, बड़ा वो दे देता है कि हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है ठीक हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है या फिर क्लोज इतना क्लोज देता है कि दोनों दो ऑप्शन सही हो सकते हैं दो ऑप्शन सही हो सकते हैं लेकिन फिर भी हमें दोनों में से एक को चूज करना है दोनों में से एक को चूज करना है जैसे होल बेसिस सिस्टम वाले में बोला ठीक तो वहां पर पहली चीज पहली प्रायोरिटी क्या है कि होल का साइज जो है हम क्या रखेंगे कॉन्स्टेंट रखेंगे ठीक होल का साइज कॉन्सेंट रखेंगे इसीलिए अगर चारों में से हमने क्या चुना है? एक होल होल सिस्टम में का साइज है ठीक दूसरा भी एक ऑप्शन जो है अगर साफ को हम वेरिएशन दे रहे हैं हम दे सकते हैं, दे सकते हैं बिल्कुल लेकिन हम क्या अगर हमें चारों में से पर अगर कॉमन सेंस यूज करना बच्चों थोड़ा सा क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है बड़े अजीब से पूछे जा रहे हैं ठीक या फिर हो सकता है कि, कि किसी क्वेश्चन का एनालिसिस जो है ढंग से नहीं किया गया तो थोड़ा सा हमें कॉमन सेंस भी यूज करना है हमें वो चीज उठाना बच्चों जो वहां पर जो है बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों एंगल बिल्कुल सही बच्चों बिल्कुल सही बिल्कुल सही क्या है आपका आ, क्या है आपका वट इज मिजर बाई साइन बार साइन बार से क्या मीजर करते हैं बच्चों बिल्कुल सही एंगल नहीं बच्चों टेपर नहीं होगा अगर टेपर एंगल अगर कहो आप तो हो सकता है लेकिन टेपर नहीं बोलोगे आप टेपर एंगल के साथ अगर बोलो तो आप सही कह सकते हो इसको लेकिन टेपर नहीं होगा लैंग्वेज समझो बताए छोटी छोटी चीजें समझो ये एंगल नाप क्या, क्या नापते हैं हम साइन बार से क्या निकालते हैं हम एंगल निकालते हैं

क्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही आ, मैं कहूं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जनरली जो है आ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और डेली लाइफ में हमें देखने को भी मिलता है बच्चों और हर एक फील्ड में हमें ये देखने को मिलता है तो उस तो उस मायने में भी ये भी क्या है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों देखिए बच्चों ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है साइन और सिंबल ये किससे रिलेटेड बेटा सिंह नहीं होगा बेटा सॉरी यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा साइन होगा ये ये क्या होगा साइन होगा बच्चों एस आई जी एन वार्निंग साइन एस आई जी एन एस आई जी एन जी पीछे हो गया जी आगे आना था बच्चों चेतावनी चिन्ह की आकृति सामान्य होती है सबसे पहली बात तो बच्चों अगर चिन्ह की बात आ रही है तो आपको पता होना चाहिए कि चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के आपके होते हैं आपको पता होना चाहिए बच्चों चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं मैंने मैंने बच्चों ये वीडियो बनाई थी अगर आपने ये वीडियो अगर देखी होगी मैंने वीडियो बनाई थी इसकी किस पे आपके हो, आपके आपके फायर हो हो सेल्फ सेफ्टी साइंस साइंस इस पे मैंने वीडियोस बनाई जितने भी आपके होते हैं चाहे आपके निषेधात्मक हो आपके इंफॉर्मेशन साइन हो बच्चों ठीक आपके कौन सा वार्निंग साइन हो इन सब पे मैंने एक वीडियो बनाई थी अगर आपने वो वीडियो बच्चों देखी होगी ढंग से तो आप इसका आंसर दे सकते हैं जल्दी फटाफट बताइए बच्चा जिसने भी वो वीडियो सही से देखी है बच्चों फटाफट आंसर बताइए अगर आपने आंसर सही से दे दिया इसका मतलब बच्चों आपने वीडियो जो है बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं अगर आपने वीडियो बिल्कुल कौन बच्चों जयंत देवराथ सी सपना विश्वकर्मा सी एम ट्रैंगुलर जयंत देवनाथ फोर जितेंद्र पात्रा सी और कौन है बच्चों जयंत देवनाथ हरिओम शर्मा ट्रैंगल ट्रायंगल अच्छा फोर कौन बोल रहा है बच्चों कौन बोल रहा है कैसे आप रेक्टेंगुलर बोल रहे हैं इसका मतलब जो रेक्टेंगुलर बोल रहे मेरा, मेरा लाइव लेक्चर लेने से कोई फायदा नहीं हो रहा इसका मतलब केवल आप उतना ही देख रहे हो जितना केवल आपके आप, आ, आ, आप, आप सोच रहे हो कि मतलब काम का ही नहीं है इसका मतलब आपने देखी नहीं हो वीडियो और उसके बावजूद बोलते हैं बच्चों आप सर और वीडियोस और सर और वीडियो सर और वीडियोस और वीडियो बच्चों जितने वीडियोस मैंने बनाई है कम से कम उसको सही से देख लो उसके अच्छे से एमसीक्यू तो कर लीजिए ठीक अभी रेक्टेंगुलर जो आप लोग कह रहे हैं रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर कैसे होगा बच्चों कहाँ देखा आपने वार्निंग साइन को रेक्टेंगुलर कैसे कह सकते हैं बच्चों आप ठीक साइन कितने टाइप के होते हैं बच्चों साइन कितने टाइप के होते हैं आपके साइन जो होते हैं वो कितने टाइप के आपके होते हैं ठीक कितने टाइप के होते हैं आकर आपने देखा होगा साइन साइन आपके होते हैं बच्चों चार टाइप के जनरली हम लोग को देखने को मिलते हैं एक होता है बच्चों आदेशात्मक एक होता है आदेशात्मक आदेशात्मक ठीक एक होता है बेटा निषेधात्मक एक में आदेश दे रहा हूं मैं दूसरे एक में आदेश दे रहा हूं और दूसरे में क्या कर रहा हूं निषेध भाई प्रवेश वर्जित आपने कभी देखा होगा कि यहां पर इस रूम में प्रवेश वर्जित है ये क्या है निषेधात्मक मतलब मना है आदेश का मतलब भाई इस रूम में ये इस वर्कशॉप में अगर आना है आपको एप्रन पहनना पड़ेगा अगर आपको वर्कशॉप में मशीन के आगे काम करना है तो टाई उतारनी पड़ेगी आपको जूते पहनने पड़ेंगे या हेलमेट पहनना पड़ेगा या चश्मे पहनने पड़ेंगे या ग्लव्स पहनने ये क्या है बच्चों ये आदेश है ये क्या दे रहा हूं मैं ये आदेश दे रहा हूं तो इसको बोलूंगा मैं आदेशात्मक एक होता बच्चों निषेधात्मक 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 ठीक और क्या होगा आपका और क्या हो सकता है आपका चेतावनी चिन्ह एक क्या, क्या चिन ह! चिन ह! एक क्या हो सकता है आपका ये क्या है चिन्ह चिन्ह एक क्या होगी चेतावनी 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 चिन्ह और एक क्या होता है बच्चों आपके एक होता है आपका कौन सा आपका सूचनात्मक क्या होगा आपका सूचनात्मक सूचना, सूचना चिन्ह इसको आप सूचना चिन्ह भी ही कह सकते हैं बच्चों सूचना चिन्ह सूचना चिन्ह ठीक इसको चिन्ह अब एक बात तो मैं बता दूं बच्चों आदेशात्मक भी गोल होता है निषेधात्मक भी गोल होता है चेतावनी ट्रैंगुलर होता है और सूचना वाला चिन्ह या तो स्क्वायर होगा या ट्रायंगल होगा क्या क्या होगा ट्रायंगल होगा स्क्वायर होगा या ट्रैंगल होगा उप, पहले के जो दो है बच्चों वो कैसे होंगे आपके वो सर्कुलर होंगे कैसे होगा आपका सर्कुलर अब बच्चों इसमें अलग अलग होता है अंदर जो कलर होता है वो और होता है बाहर अलग अगर अब यहां पर बात जो हो रही है बच्चों अगर आपको अच्छे से पढ़ना है बच्चों अगर आपको इसको अच्छे से क्लियर करना है क्योंकि बच्चों इसका क्वेश्चन आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये जनरल या आपका हर फील्ड में हर फील्ड में इंपॉर्टेंट है चाहे सिविल इंडस्ट्री चाहे सिविल हो और आपका मैकेनिकल इंजीनियर और रिलेटेड तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर सभी लोग जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वहां पर साइन बोर्ड जरूर लगा होता है जरूर लगा होता है आपका साइन बोर्ड सूचना चिन्ह जो है जरूर लगे होते हैं तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें बच्चों इससे एक एक अगर आदेशमात्मक चिन्ह है तो चिन्ह कैसा होता है अंदर जो लिखा रहता है उसमें वो किस आ, अंदर जो चिन्ह होता है इस गोले के अंदर जो चिन्ह होता है वो किस कलर का होता है बैकग्राउंड किस कलर का होता है बच्चों बहुत डीप क्वेश्चन बन सकते हैं तो आप वीडियो जरूर देखें और अच्छे से देखें और उसमें तो हम बात करेंगे पर ट्रेंगुलर चेतावनी चिन्ह की तो चेतावनी 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 चिन्ह 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 किस चीज का होता होता है बच्चों? होता है बच्चों क्या होता है ट्रेंगुलर होता है और इसके अंदर का जो कलर होता है वो क्या होता है बच्चों येल्लो कौन सा होता है येल्लो और बॉर्डर 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 और अंदर कोई चिन्ह होगा सपोज ये चिन्ह है किस इलेक्ट्रिसिटी डेंजर का चिन्ह है बॉर्डर और ये किस किस चीज के के कलर होते हैं बच्चों ब्लैक। इतनी बात मेरी क्लियर होगी होगी, होगी होगी डिटेल में अगर पढ़ना है बच्चों वीडियो देखें ठीक वीडियो देखें और डिटेल्स में नोट्स बनाए बेटे छोटे छोटे नोट्स बनाए हर एक इसमें इतनी बात मेरी क्लियर हुई तो इतनी चीज मेरी यहां पर क्लियर होगी होगी बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों आगे बढ़ते हैं ठीक एक फीट लेंथ इज इक्वल टू आहा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बड़ा सिंपल क्वेश्चन है एक फीट लेंथ जनरली वर्कशॉप कैलकुलेशन का क्वेश्चन है कितना होता है बच्चों जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए कितना होता है एक फिट में जल्दी निकालिए एक फिट में एक फिट में कितने मीटर होंगे बच्चों जल्दी से बताइए आप बता सकते हो आराम से एक फीट में कितने होगा एक फीट में कितना होगा बच्चों अच्छा शुरू से बताता हूं बच्चों में एक एक चीज सही शुरू से बताता हूं मैं मैं स्क्रीन चेंज करता हूं ठीक एक चीज बताता हूं एक हूँ दिख रहा होगा बच्चों यहां पर ठीक एक साथ थी. अच्छा एक फीट में बच्चों एक फीट एक फीट में कितना होता है आपका बारह इंच होता है ये छोटी छोटी चीज है ना बच्चों ये आपको आनी चाहिए और जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ठीक आपको पता हो एक फीट में बारा इंच होते हैं बच्चों एक और एक इंच में एक इंच में एक इंच में कितना होता है बच्चों एक इंच में कितना होता है आपका ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर कितना मी में बच्चों अच्छा एक मीटर दिख रहा है बच्चों एक मीटर में कितने फीट होते हैं बच्चों थ्री पॉइंट टू एट जीरो � 80 फिट होता है बच्चों इतनी बात मेरी क्लियर होगी अब अब निकाल लो बच्चों एक मीटर में इतने होते हैं तो एक फीट में एक फीट में कितना होगा 1 अपॉन 3.280 कितना होता है 1 अपॉन 3.820 इतनी बात मेरी क्लियर हो ये हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा आपका 0. ये कितना हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 0.30 48. कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री जीरो राउंड ऑफ लेना है आपको ठीक है आपको इतना सा थोड़ा सा आपको कॉमन uh, सेंस भी यूज करना है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट थ्री जीरो फोर एट बिल्कुल सही बच्चों बिल्कुल सही है, है बिल्कुल सही है, है। ठीक आगे बढ़ते बच्चों अच्छा द इंटरचेंजेबिलिटी इज यूज फॉर इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है बच्चों इंटरचेंजेबिलिटी आपको पता होगा बच्चों इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है क्या होता है इंटरचेंजेबिलिटी कोई मुझे इंटरचेंजेबिलिटी होता है बच्चों जब हम मास प्रोडक्शन करते हैं जैसे नट एंड बोल्ट का बहुत मास प्रोडक्शन करते हैं, तो कोई सा नट भी कोई से बोल्ट में कहीं एक जगह हो सकता है आपका नट बन रहा हो और दूसरी कंपनी में आपका बोल्ट बन रहा हो तो इंटरचेंजेबिलिटी क्या होती है उनमें इतना जो है हम टॉलरेंस देते हैं उतना टॉलरेंस देते हैं कि कोई सा नट भी कोई से बोल्ट में फिट हो जाए कोई कोई से से नट भी कोई से बोल्ट में फिट हो जाए इसी को क्या कहेंगे बच्चों इंटरचेंजेबिलिटी इंटरचेंजेबिलिटी इसको क्या कहेंगे तो ये बिल्कुल मोहम्मद इमरान जो है बिल्कुल सही मास प्रोडक्शन समीक्षा बी बिल्कुल सही है समीक्षा बिल्कुल सही बी बी रविंद्र हंसा बिल्कुल 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 सही है बच्चों किसमें यूज होगा बच्चों मास प्रोडक्शन में इंटरचेंजेबिलिटी शब्द जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है इसको यूं समझे बच्चों कि सपोज बहुत ज्यादा नट एंड बहुत मात्रा में बहुत लार्ज क्वांटिटी में मेरे को बोल्ट नट एंड बोल्ट बनाने हैं ठीक एक कंपनी को नट बना रही है दूसरी कंपनी बोल्ट बना रही है तो उसमें इतना टॉलरेंस दिया जाता है कि कोई सा नट उठा के मैं किसी भी बोल्ट में जबकि कंपनी अलग अलग कंपनी बना रही है वो आसानी से फिट हो जाए इसको इसको क्या मैं बोलूंगा इंटरचेंजेबिलिटी इतना इतना आस, आसान भाषा में कॉमन भाषा में मैं कोई परिभाषा नहीं बता रहा हूं एक आसान भाषा में हम इस तरीके को समझ सकते हैं इसको ठीक तो यह बता बच्चों मास प्रोडक्शन में यूज इतनी बात क्लियर हो गई आगे बढ़ते हैं बेटा वट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लैट फाइल बहुत ही आसान है बच्चों ये तो सबको पता होगा ये तो सबको बताओ मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है बच्चों इतनी तो मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है क्रॉस सेक्शनल ऑफ फाइल क्रॉस सेक्शन ऑफ फाइल क्या होता है बच्चों क्रॉस एक्शनल ऑफ फ्लैट फाइल बच्चों फ्लैट फाइल पूछ रहा है विकास यादव व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल ऑफ फ्लैट फाइल बच्चों जल्दी से बताओ क्या होता है बच्चों बिल्कुल बच्चों क्या होगी क्रॉस सेक्शनल सेक्शन फ्लैट फाइल क्या होता है बच्चों आपका देखो सामने से देखोगे बच्चों आप सामने से आपका क्रॉस सेक्शनल अगर उसको देखोगे तो कैसा दिखता है आपका वो दिखता है आपका कैसा रेक्टेंगुलर कैसा दिखता है रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर ठीक तो उसका क्रॉस सेक्शन जो होता है बच्चों कैसा होता है आपका रेक्टेंगुलर ठीक उसमें पूछा हुआ बच्चों उसमें देखा देखो फ्लैट फाइल लिखा हुआ है उसने उसने क्या लिखा हुआ फ्लैट फाइल तो फ्लैट फाइल का क्या होगा बच्चों? वो आपका क्रॉस सेक्शनल कैसा होगा? आपका रेक्टेंगुलर होगा। आपका क्रॉस फाइल स्क्वायर फाइल लिखा होता तो क्या होता है आपका स्क्वायर होता ठीक राउंड फाइल लिखा होता तो क्या होता है सर्कुलर होता है फाइल होता तो क्या होता है आपका ट्रायंगुलर, ठीक तो इसमें चीजों में कुछ आपको

तो मतलब ये आपका हस, जो साइज है वो सही नहीं है इतनी बात मेरी क्लियर हो गई प्रोग्रेसिव गेज में बच्चों एक ही साइड में दोनों गेज होते हैं प्रोग्रेसिव गेज कौन सा ऐसा होता है जिसमें एक ही साइड या तो इस साइड या फिर इस साइड सपोज ये गेज है बच्चों या तो एक साइड एक ही साइड में दोनों गेज होते हैं नो गेज गो गेज एक ही साइड होती है बच्चों बताइए अब बताइए बच्चों तो, कौन सा इसमें आंसर सही होगा जल्दी बताइए बच्चों हंसा सी 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 समीक्षा डीओ क्या है कोई इनमें से कोई नहीं जल्दी बताइए बेटा सी बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है बच्चों आपका प्रोग्रेसिव लिमिट गेज होगा वो कौन सा होगा बच्चों वो होगा आपका सी होगा क्या कौन सा होगा आपका सी होगा आंसर होगा गो एंड नॉट गो ऑफ द गेज इतना क्लियर होगी बच्चों बिल्कुल सही है मोहम्मद इमरान बिल्कुल सही है बिल्कुल सही आगे बढ़ते हैं बच्चों आगे बढ़ते हैं

सेम ही लिक्विड कौन सा होगा बच्चों कैस कौन सा होगा कौन सा होगा सी बिल्कुल बच्चा ग्रीस 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 होगा बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों एल्यूमिनियम कि एल्यूमिनियम जो होता है उसका अयस् का नाम पूछ रहा है क्या पूछ रहा है बच्चों अयस्क अयस्क का नाम पूछ रहा अयस्क नाम्यूमिनियम अयस किसका एल्यूमिनियम 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 कहा क्या पूछ रहा है बच्चों ियम का क्या पूछ रहा है अयस्क पूछ रहा तो बच्चों एल्युमिनियम के जो होता है बच्चों वो कौन सा होता है जल्दी बताइए बच्चों। बहुत आसान बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों जल्दी बताइए बिल्कुल सही है बच्चों बिल्कुल सही सब बिल्कुल सही बहुत बॉक्साइट बॉक्साइट बच्चों ओर से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन होगा ओर से रिलेटेड चाहे वो आयरन ओर हो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आयरन के जो है इसमें बेटो एक मैं डिटेल्स में अभी मैं हम आ, डिटेल्स में जो है एक ले, एक लेक्चर बनाऊंगा मैं इसके वीडियोस बनाऊंगा और मेटल ओर इतने अगर आपने एक बार अगर मेटल्स को पढ़ लिया अच्छी तरीके से बच्चों मैं मेटल्स को पढ़ लिया आपको दोबारा मेटल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों एक एक चीज कितने किस कितने फॉर्म में आपके जो है आयरन के ओर होते हैं ठीक ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं ऑक्साइड के फॉर्म में जो आयरन के ओर मिलते हैं बच्चों तो उसका नाम क्या क्या है आपके अगर जो आपका सल्फाइड के फॉर्म में मिलता है उसका नाम क्या है कितनी फॉर्म में कि, किस किस फॉर्म में आपका ओर मिलता है ये सारी चीजें छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों आयरन को कैसे सबसे पहली जो सबसे फर्स्ट स्टेज में जो मेरे को आयरन मिलता है बच्चों जब मैं भट्टी में उसको एक्सटेक्ट करता हूं तो पहली स्टेज में जब मैं उसको आयरन ओर को साफ करता हूं तो कौन सा लोहा मिलता है मेरे को और किस फर्नेस में मैं करता हूं ठीक? अगर उस फ़र्नेस से उस लोहे को से अगर मुझे स्टील बनाना है तो कौन सी यूज़ करूंगा उस फ़र्नेस से अगर तो स्टडी से, से है तो है करते हैं ठीक डीआरडीओ का जो एक डेडिकेटेड बैच हमारा चल रहा है फिटर के लिए ठीक जिसकी टाइमिंग जो होती है बच्चों साढ़े बजे दिन में होती है और डेडिकेटेड बैच है वो स्पेशल फिटर के लिए है फिटर के लिए और मैक्सिमम चीजें जो उसमें बच्चों कवर हो रहा है आजकल अभी जो उसमें कवर हुआ मेटल कवर हो चुका है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बहुत छोटे छोटे चीजें मेटल्स की कवर हो चुकी है इसके अलावा बच्चों उसमें मेटल्स के अलावा उसमें सारी फेरस मेटल नॉन फेरस मेटल एलॉय ठीक और इसके अलावा बच्चों हीट ट्रीटमेंट हीट ट्रीटमेंट भी आपका क्या हो चुका है उसमें कवर हो चुका है बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस कौन कौन सी होती है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कौन कौन सी होती है आयरन कार्बन डायग्राम क्या होती है ठीक आपके जो है कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ये तमाम सारी जो है वो कवर हो चुकी है इसके अलावा मशीन टूल बच्चों इंपॉर्टेंट इंपोर्टेंट क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो है बच्चों जैसे आपकी हैंड टूल्स है गेज है ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं ये छोटी छोटे रोज पढ़ते आ रहे हैं चीजें हमें वो क्लियर करनी जिसका बहुत ज्यादा आपका क्या है का बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके बन सकते हैं बहुत बन सकते हैं और इसके इसकी लिस्ट काउंट कितना है, का है? कहा यूज होता है इसे ज़्यादा, इसे ज़्यादा क्या पढ़ेंगे बच्चों हम ठीक उसका माप निकालने के लिए आ जाएगा इससे ज्यादा मेटेरियल पढ़ लेंगे लेकिन ये मेटल हुए आपके आपका क्या कहते हैं पावर ट्रांसमिशन जो डिवाइसेस होती हैं ये हुई आपकी इसके अलावा मशीन टूल हुई बच्चों ग्राइंडिंग आपकी लेथ मशीन और इसके अलावा बच्चों आपके ड्रिलिंग मशीन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ड्रिलिंग मशीन तमाम बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बच्चों ड्रिलिंग मशीन अगर आपने क्लियर कर दी ठीक तो आपका जो है एक दो क्वेश्चन जो है आपके पक्का होते हैं ले मशीन है इसी टाइप की इसके अलावा आपके लिमिट फिट टॉलरेंस है हमेशा क्वेश्चन बनते हैं बच्चों एक स्ट्रेटेजी इसी स्ट्रेटेजी के साथ आपको पढ़ना लिमिट फिट टॉलरेंस से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा तो उससे कैसे आपके क्वेश्चन बनना है बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इसी ए, इसी चीज को ध्यान में रखते हैं बच्चों हम अपना सिलेबस जो है वो कवर भी करते हैं और डिजाइन भी करते हैं ठीक तो आप में से भी बच्चों अगर कोई फिटर का डेडिकेटेड कोर्स जो है लेना चाहता है उसमें उसमें बच्चों हमारी फिटर की थ्योरी तो तो चलती ही चलती है है इसके अलावा नॉन टेक भी चलता है, तो आप उस चीज का जो है आ, आप उस चीज को देख सकते हो ठीक तो और इसके अलावा बच्चों वेल्डिंग बहुत अलावाटेंट टॉपिक है क्योंकि अब जो बच्चों इस अब जो पेपर हो रहे हैं बच्चों उसमें वेल्डिंग जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो उसमें पूछे जा रहे हैं वेल्डिंग के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं तो वेल्डिंग आपका बहुत डीपली है आपका कवर होना चाहिए ठीक मैं बहुत कम पढ़ी है लेकिन बहुत अच्छा पढ़िए बच्चों एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो आपका कॉन्सेप्ट जो है आपकी जो बेस जो है वो क्लियर होते जाए ठीक ये रट के ना हो कि रटके ना चीजों को पढ़े बच्चों समझ के चीजों को पढ़े समझ के पढ़े समझ के थोड़ा पढ़े अगर से आपने समझ लिया तो वो हमेशा के लिए होता है रटना रट के पढ़ेंगे बच्चों तो एम सी क्यू रटने के एमसी क्यू याद करके वो दो दिन होगा तीन दिन होगा लेकिन अगर एक बार आपने समझ लिया तो उसके बाद आपके नोट्स भी अगर रिवाइज कर लिया बच्चों इन नोट को एक्सरसरी निगहार अगर आपने देख ली तो आपका रिविजन हो जाता है ठीक तो ये था बच्चों बॉक्साइट आगे बढ़ते हैं बच्चों आगे बढ़ते हैं बच्चों ठीक क्वेश्चन आउटर आर कट इजिली जी आई पाइप जी आई पाइप जी आई पाइप के मतलब क्या होता है बच्चों बच्चों आयरन आयरन पाइप मतलब इन पे बच्चों क्या होती है आपकी कोटिंग होती है ये कोटेड होते हैं क्यों करते हैं हम कोटेड बच्चों कोटिंग ताकि क्योंकि जीआई पाइप जो है जनरली जमीन के अंदर दबाए जाते हैं बच्चों दबाए जाते हैं ठीक है बाहर भी होते हैं दबाए भी जाते हैं तो इसमें क्या रश वृष्ट ना लगे लॉन्ग ड्यूरेबल लॉन्ग लाइफ हो इसकी ठीक तो इसकी जो है रिलािटी बनी रहे ठीक इसकी लाइफ जो है बनी रहे इसलिए हम क्या करते हैं इसको गैलोनाइज आयरन इसको कोटिंग करते हैं बच्चों जिंक की कोटिंग इसमें कर देते हैं इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों ठीक तो ये पूछ रहा है बच्चों बाई विच आउटर बाई विच उटर बाई विच मैथड लिख सकते हैं सिंपल लोहे, लोहे के पाइप बोलते हैं जी आई पाइप होता है एक्चुअली उसमें चूड़ी काटने के लिए आपने देखा होगा वो क्या यूज करता है क्या यूज करता है बच्चों वो करता है डाई एंड डाई स्टॉक क्या यूज करता है डाई एंड डाई स्टॉक बिलकुल सही है बच्चों बिल्कुल सही है राम मोहन ए बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है आ, विकास यादव बिल्कुल सही है मोहम्मद इमरान बिल्कुल सही बिल्कुल सही है बच्चों बहुत सही बहुत सही ठीक तो ये आसान क्वेश्चन था बच्चों आगे बढ़ते हैं आगे हम बढ़े हैं तो ऑयल कैन अरे वाह किस आगे लुब्रिकेशन सिस्टम का आ गया बच्चों लुब्रिकेशन सिस्टम होता है ना ग्रेविटी फोर्स स्प्रे अलग अलग टाइप के लुब्रिकेशन सिस्टम होता है ठीक इस पर बच्चों में एक वीडियो लाऊंगा एक अच्छे अच्छी वीडियो क्योंकि इससे भी बच्चों को बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा क्या है आपका ये इंपॉर्टेंट है तो पूछ रहा बच्चों, system, splice, system, बच्चों? है बच्चों ऑयल कैन इज अ टाइप ऑफ लुब्रिकेशन विक मै सिस्टम स्प्लैश स्प्लेस विक सिस्टम कैसा है बच्चों ग्रेविटी सिस्टम है स्प्लैश मेथड ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी फीड सिस्टम और फोर्स फीड सिस्टम आ, कर, तो इसमें से कौन सा होगा बच्चों फोर्स उसमें क्या करें प्रेशर से प्रेशर से क्या करते हैं बच्चों हम देते हैं क्या आपका ऑयल जो है मशीनों पे कहीं पर अंदर मशीनों के अंदर अगर फोर्सफुली कहीं पहुंचाना होता है तो मैं किस क्या यूज करता हूं बच्चों ऑयल कैन यूज करता हूं तो ऑयल कैन जो होता है वो लुब्रिकेशन का कैसा सिस्टम बच्चों फोर्स फीड फोर्स से मैं क्या करता हूं वहां पर फीड करवाता हूं अपना ऑयल इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों बिल्कुल क्या हो गया आपका नहीं बच्चों सी नहीं होगा ए भी नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों ऑयल केन पूछ रहा बच्चों ऑयल केन ग्रेविटी का सिस्टम क्या है आपने, आपने ऑयल कप बच्चों एक ही चीज ध्यान गलत एक चीज आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मुझे पता है किस चीज़ में ऑयल कप ऑयल कप अलग चीज है ऑयल केन अलग है ऑयल कप जो है वो ग्रेविटेशनल मेथड है और ऑयल कैन जो ऑयल कप जो है वो ग्रेविटेशनल है और ऑयल कैन जो है बच्चों को क्या है आपका फोर्स ग्रेविटेशनल 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 फीड और ये क्या ये है बच्चों ये आपकी फोर्स फीड इतनी बात मेरी क्लियर हुई ऑयल कप ये क्या है बच्चों ऑयल कप ये वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ऑयल कैन मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई मेरी बात क्लियर हुई सभी को मेरी बात क्लियर हुई ऑयल कप और ऑयल का कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ आप लोगों को नहीं हुआ बिल्कुल सही बच्चों डी इसका क्या होगा सही आंसर होगा ठीक बिल्कुल बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइंट एंगल ऑफ मोर्स स्टैंडर्ड टेम्पर टेपर अरे मोर्स कोई बत, इसका बताओ बच्चों आंसर चलो इसका बताओ मोर्स टेपर इसका बताओ बच्चों आंसर क्या होगा राहुल भारद्वाज राम 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 गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग बच्चों सभी को गुड इवनिंग बताइए इसका क्वेश्चन इसका आंसर बताइए बच्चों इसका आंसर बताइए इसका आंसर बताइए बच्चों जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए बच्चों इसका इसका मुझे जो स्क्रीन पे अगर बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है आपको इसका आंसर बताइए जल्दी मोर्स टेपर का पॉइंट एंगल कितना होता है को जल्दी बताइए बच्चों मैं यहां से कितनी डीप आप स्टडी करते हो कितनी अच्छी स्टडी करते हो आप कितना बेस आपका क्लियर है कि आप किताबी लैंग्वेज पे विश्वास करते हो या खुद भी थोड़ा दिमाग लगाते हो इस चीज से यह पता लग जाएगा बच्चों देखो कोई भी किसी का भी सही नहीं है बच्चों किसी का भी सही नहीं है एक्चुअली इसमें ऑप्शन जो है वो है ही नहीं इसमें जो ऑप्शन है ही नहीं ऑप्शन सारे गलत है है जो होता है बच्चों मोर्स टेपर की अगर मैं बात करूं मोर्स टेपर जो होता है वो कितने साइज में आता है ठीक वो कितने साइज में आता है आठ साइज में कितना आता है आपका आठ साइज में आठ साइज में आता है कितना जीरो से लेकर और सेवन तक इतनी बात मेरी क्लियर होगी टैपर जो होता है बच्चों टैपर रेशियो जो होता है मोस्ट टैपर का वो कितना होता है बच्चों होता है बच्चों। टैपर एंगल जो होता है बच्चों टैपर एंगल सॉरी इसको मैं इंक्लूडेड एंगल या फिर पॉइंट इनक्लूडेड एंगल इंक्लूडेड इंक्लूडेड एंगल या इसी को पॉइंट एंगल लिखूं पॉइंट इसको बच्चों पॉइंट एंगल लिखूं पॉइंट एंगल तो ये होता है बच्चों क्या होता है आपका ये होता है मेरा, कितना होता है आपका तीन डिग्री कितना होता है तीन डिग्री और ब्रिटिश सिस्टम में अगर मैं बात करूं बच्चों अगर मैं ब्रिटिश सिस्टम की बात करूं तो क्या होता है दो डिग्री और आपका पचास मिनट दो डिग्री ही दो डिग्री पचास मिनट इतनी बात में क्लियर होगी बच्चों ठीक टैपर रेशियो जो होता है बच्चों टैपर रेशियो जो होता है वो क्या होता है आपका वन इंस टू ट्वेंटी ठीक और ये अगर मैं ब्रिटिश में अगर बात करूं बच्चों तो पांच बटे आठ इंच पर फुट डाउट क्लियर हुआ बच्चों क्लियर हुआ वेल हुआ ठीक एम टी ये क्या होता है बच्चों एम टी मोर्च टेपर जीरो से सेवन मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं एम टी जीरो से लेकर एम टी सेवन तक टोटल कितने साइज हो जाएगा बच्चों आपके टोटल कितने साइज हो जाएंगे आठ साइज क्लियर हुआ क्लियर हुआ बच्चों क्लियर हुआ यह चीज क्लियर हुआ जल्दी से बताइए बच्चों जल्दी से बचाइए ये चीज क्लियर हुआ मोर स्टेपर वाला जो क्वेश्चन था ये हमारा क्लियर हुआ ओके okay, ठीक अच्छा आगे बढ़ते हैं बच्चों आगे, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों विच थ्रेड आर कट ऑन स्पिंडल ऑफ बेंच वाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों स्पिंडल की वाइस जो होती है आपकी किसके बेंच वाइस का जो स्पिंडल होता है बेंच वाइज का जो स्पिंडल होता है उसमें जो थ्रेड कटे होते हैं बच्चों वो कौन से कटे होते हैं जल्दी बताओ बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है और पूछा गया भी है और पूछा जा भी सकता है तो सचेत रहे किसी भी क्वेश्चन को हल्के ले। ठीक लेक थ्रेड आर कट ऑन स्पिंडल ऑफ वाइज जल्दी बताइए बच्चों बच्चों जल्दी बताइए स्पिंडल वाइस जो होती है बच्चों स्पिंडल की वाइस पे स्पिंडल वा, वाइस की स्पिंडल सॉरी अच्छा यहां पर बच्चों थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अगर आपने देखा होगा बच्चों हैवी जो बेंच हैवी जो बेंच बाइस होती है मशीन जो बाइस होती है हैवी उनमें जो थ्रेड कटे होते हैं बच्चों उनमें जो कटे होते हैं आपके वो सिम कौन से कटे होते हैं आपके वो कटे होते हैं बटरेस थ्रेड अगर आपने कभी देखा होगा अगर मैं आपको बहुत छोटा सा बताता हूं अगर आपने कभी पावर सो पावर सो जो है पावर सो अगर आपने देखा होगा पावर सो में आपने बाइस देखी होगी बाईस देखी होगी आपने देखा होगा उसमें क्या होता है आपका उसमें जो थ्रेड कटे होते हैं किस तरीके से कटे होते हैं बच्चों वो कटे होते हैं आपके इस तरीके से कटे होते हैं ठीक आपका जो थ्रेड होंगे वो किस तरीके होंगे आपके कुछ इस तरीके से होंगे

लेकिन दूसरा जो टीथ होता है दूसरा जो होता है दूसरी साइड जो होती है टीथ की ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती बच्चों ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती है ये कितना होता है आपका ये भी क्या होता है आपका एक एंगल पे क्या होता है आपका आ, एक एंगल पे क्या होता है क्या? ये क्या सरफेस जो है आपका वो कह सकते हैं किसी एंगल पे आपका झुकी हुई होती है और ये कितना जल्दी नहीं आपका आठ डिग्री तक होता है इसको कहते हैं बच्चों बटरेस्ट थ्रेड और सिंपल अगर स्पिंडल होंगे बच्चों आपके तो उसमें कटे होंगे आपके स्क्वायर थ्रेड इसमें क्या कटे होंगे आपके जो सिंपल जो होंगे आपके उसमें कटे होते हैं स्क्वायर थ्रेड तो बच्चों सबसे पहली बात तो है हम ये जानकारी होनी चाहिए कि आपकी जो मशीन वाइज होती है जनरली हैवी जो जॉब होते हैं उनको पकड़ने के लिए जो यूज होती है आपकी मशीन वाइज उसमें कौन से थ्रेड होते हैं बटरेस थ्रेड ठीक और सिंपल जो आपकी छोटी मोटी वाइस जो होगी आपकी उसमें आपका क्या होगा आपका स्क्वायर थ्रेड से भी आपका काम चल जाता है ठीक तो यहां पर, यहां पर पर जो हम मान रहे हैं यहां पर जो पूछा गया स्पिंडल ऑफ बेंच वाइस ठीक तो यहां पर जो हम आंसर अगर मान रहे हैं अभी ठीक तो हम क्या कौन सा मानते हैं यहां पर बटरेस थ्रेड भी आपका क्या हो सकता है बच्चों यहां पर आंसर हो सकता है इतनी बात वेरी क्लियर होगी बच्चों इतनी बात मेरी क्लियर हो गई ठीक इस, अच्छा इसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन ये भी आया एक एक क्वेश्चन ये बताओ बच्चों जो लीड स्क्रू होता है उसके थ्रेड पे लीड स्क्रू जो होता है लीड स्क्रू लीड स्क्रू जो होता है बच्चों लीड स्क्रू में जो थ्रेड होता है वो कौन सा थ्रेड होता है तो बच्चों वो होता है आपका कौन सा वो एस में थ्रेड होता है कौन सा आपका लीड स्क्रू का एस में थ्रेड एस में थ्रेड

सेट सेट ऑफ ऑफ थ्री थ्री गियर, गियर गियर। इज अ अब बच्चों, इस गियर में प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो जनरली आजकल जो मशीन आ रही है उसमें दो ही गियर होते हैं प्रैक्टिकली लेकिन आप लिखोगे कोई कितने है? तीन गियर ही एक गियर दिशा को चेंज करता है एक में एक में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और दूसरे गियर में अगर इंगेज करूं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अब पावर वहां से वहां कैसे पहुंचती है तो दो गियर बच्चों तीन गियर और काम करते हैं एक जो टम्बलर गियर के जस्ट नीचे लगा होता है उसको बच्चों हम क्या कहते हैं ड्राइवर गियर और इसी को हम स्टड गियर भी कहते हैं क्या कहते हैं एस टीयूडी स्टड गियर और स्टड गियर और से पावर ट्रांसमिट करनी है मेरे को किसमें आपका नीचे आपका कौन सा होता है लीड स्क्रू गियर वो है आपका ड्राइविंग गियर कौन सा है ऊपर सॉरी ड्रिवन गियर ऊपर वाला कौन सा था ड्राइविंग स्टर्ड गियर और नीचे लीड स्क्रू वाला जो गियर है वो कौन सा है कौन सा है ड्रिवन गियर जो ड्रिवन हो रहा है ऊपर ड्राइविंग है अच्छा इसके बीच में हम एक गियर लगा लेते हैं बच्चों कौन सा किसको कहते हैं उसको उसको कहते हैं आइडलर गियर क्या बोलते हैं उसको आइडलर गियर किसने लगाते हैं सेम डायरेक्शन में रोटेट कराने के लिए वो डायरेक्शन जो है अब देखो बच्चों ये गियर है ये गियर है ये रोटेट करेगा तो ये इसके ये इसके इधर रोटेट करेगा तो ये किधर रोटेट करेगा उल्टी दिशा में लेकिन मेरे को सपोज डायरेक्शन इसी में चाहिए इसी में चाहिए तो बीच में ये कौन सा है ये ड्राइवर है ठीक ये है ड्रीवन गियर गियर मुझको सेम दिशा चाहिए थी जिस दिशा में ये घूम रहा है उसी दिशा में इसको भी घुमाना है तो मैं बीच में क्या लगा दूंगा बच्चों ये इसको कहता हूं मैं आइडलर गियर क्या बोलूंगा आइडलर गियर ठीक जाता है आपका लेज मशीन का एक पार्ट और फिर हाफ नट का यूज करके हाफ नट का देखो पावर पहुंचगी लीड स्क्रू में अब लीड स्क्रू से में अब लीड स्क्रू से क्या करना है वो डिपेंड करेगा थ्रेड थ्रेड की जो कटिंग होती है वो डिपेंड करता है बच्चा किस पे आपका जॉब की जॉब पे जो पिच काटनी है उस पर और लीड स्क्रू की पिच पे डिपेंड करता है लेकिन अब लीड स्क्रू से आपको कनेक्ट करना है कैरीज किस वो किसके थ्रू करेंगे बच्चों वो हाफ नट के थ्रू वो हाफ नट होता है नट का बीस से काट दो हाफ नट ठीक उसकी पिच और लेडी स्क्रू की पिच जो है होती है बच्चों कैसी होती होती है है आपकी सेम होती है. इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों इतनी बात मेरी क्लियर हुई इतनी बात मेरी क्लियर हुई ठीक एसमे थर्ड किसमें होते हैं बच्चों आपके लीड स्क्रू में लीड स्क्रू में क्या होते हैं आपके आपका क्या होते है? आप होता होते हैं थर्ड होते हैं इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों इतनी बात मेरी क्लियर हुई ठीक ले तो मशीन में कैसे बहुत आसान है बच्चों अगर आप सिंपल तरीके से अगर बहुत अच्छी तरीके से अगर समझो ना आपको कभी भी याद करने या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी एमसीू की आपके अगर चीजों को आपने समझ लिया ना मशीन को आपने बेस जड़ से अगर समझ लिया तो चीजें एमसीूकी आपके आप पास ऐसे ही निकलते रह जाएंगे आपने अगर एक साइड की मशीन खोल के रख दी वहां आपने एक चीज समझ ली आप वहीं से बच्चों दस क्वेश्चन उठा के बना सकते हैं ठीक स्पिंडल कैसा होता है आपका लेथ मशीन में जो यूज करते हैं होलो स्पिंडल होते हैं उस होलो स्पिंडल के ऊपर एक क्या होता है गियर बना होता है गियर होता है वो गियर जो है कनेक्ट होता है किससे टम्लर गियर से क्यों होलो होता है लेथ का स्पिंडल जो होता है वो होलो क्यों रखा जाता है क्वेश्चन बन सकता है ठीक बहुत तमाम जैसे क्वेश्चन बन सकते बच्चों अगर आप ढंग से इसको थोड़ा स्टडी करें इसका हो गया बच्चों

नेक्स्ट क्वेश्चन में आया था बच्चों वासर आर जनरली स्पेसिफाइड वाई वासर आर जनरली स्पेसिफाइड वाई किससे होता है बच्चों वासर जो होता है वो किससे स्पेसिफाइड होता है कोई बताएगा मुझे कोई बताएगा मुझे वासर जो है बच्चों वासर आर जनरली स्पेसिफाइड बाय वासर जो है जनरली किससे स्पेसिफाइड होते हैं बच्चों थिकनेस आउटर डायमीटर मेन डायमीटर सेंटर होल डायमीटर किससे होता है बच्चों जल्दी बताओ इसका आंसर ठीक वसर जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है आपका थिकनेस पे जो है आपका बहुत ज्यादा डिपेंड करता है तो ये इसका अब क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम ठीक वासर का मीनिंग ही बच्चों वासर क्या किस लिए यूज करते हैं हम वासर ठीक जब डिग्री और जब वहां पर क्या हो जाता है आपका हम अच्छे से फिटिंग करने के लिए जब बीच में आपका गैप रह जाता है ठीक आपका जो है अगर बीच का जो बॉडी जो है आपकी वो लूज ना रह जाए तो अभी हम क्या करते हैं आपका स्पेस अच्छे से कवर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं हम वासर यूज करते हैं इतनी बात क्लियर हो गई आगे बढ़ते हैं बच्चों

हीट करेंगे जब तक कि वो लाल ला ना हो जाए जब वो गर्म होना हो जाए और जब वो गर्म हो जाता है बच्चों तो तो आपको पता है है मेटल होने पे क्या हो जाता सॉफ्ट तो हम मन चाहे में में जिस सेप में मुझे ढालना है अपने जॉब को बाय द एक्शन ऑफ अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स बाय एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स बाई हैमरिंग मतलब जो हैमरिंग अगर मुझे क्या कर रहा हूँ उसको ठोक पीट के ठीक अगर मैं फोर्स दे रहा हूँ कैसे दे रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स हैमर से दे रहा हूं तो उसमें मैं किसी भी अगर मुझको किसी भी में उसको क्या करना ढालना है? है किसी भी उसमें आकृति में उसको ढालना है तो आसानी से ढाल लेता हूं तो इसको बताऊं बताऊंगर तो वहां पर यूज होने वाली बच्चों वाइस है वो लेग वाइस है ठीक वो दूर से ही ऑपरेट हो जाती है मेरे को, मेरे को को क्या करना है उसको तो मेरे को उसको क्या करना है एक जगह स्टेबल करना है हो सकता है कोई ऑपरेशन करना हो तो मैं हाथ से नहीं पकड़ सकता हूं छोटी वाइस होगी तो अगर मैं पकड़ूंगा अभी तो बच्चों में वाइस क्या हो जाएगी गर्म हो जाएगी तो मैं वहां पर क्या यूज करता लेग वाइस इतनी बात मेरी क्लियर होगी बच्चों ठीक वन ऑफ द फॉलोइंग चक इज कॉल्ड सेल्फ सेंटरिंग चक विच वन ऑफ द फॉलोइंग चक इज कॉल्ड सेल्फ बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों बहुत बेसिक क्वेश्चन भी है किसको कहते हैं बच्चों चक क्या होते हैं आपके चक के कौन कौन से होते हैं बच्चों चक होते हैं आपके थ्री जो चक होते हैं और फोर जो चक होते हैं ठीक फोर जो चक होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं आपके इंडिपेंडेंट चक होते हैं वो क्या होते हैं इंडिपेंडेंट चक होते हैं ठीक वो मतलब वो हर एक जॉ जो, जो है हर एक जॉ कोई स्लॉट में अब उस की को जब हम उसको टाइट और लूज करेंगे तो हर एक जॉ अलग अलग मूव करेगा लेकिन थ्री जॉ जॉचक के केस में क्या होगा बच्चों एक स्लॉट को मैं अगर की से अगर रोटेट करूंगा तो सारे के सारे जॉ अंदर या बाहर होंगे ठीक इसीलिए इसको कहते हैं बच्चों सेल्फ सेंटरिंग चक क्या कहते हैं सेल्फ सेंटरिंग चक ऑटोमेटिक क्या हो जाता है सेंटर लेकिन थ्री जो अचक बचो टर्न सरफेस, जो सरफेस, जिसकी जो लेटरल सरफेस है भारी जो सरफेस है आवरण जो है उसका वो ट्रू है सरफेस जो है बिल्कुल गोल है स्मूथ है बिल्कुल ट्रू है अगर मैं एक इंजीनियरिंग वर्ड बोलूं तो ट्रू है मतलब उसका भारी जो ब्यास है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है बिल्कुल कैसा है आ, बिल्कुल प्लेन है तो यूज करता हूं मैं क्या, कौन सा और वो सेंटर में सेंट्रिंग है तो मैं यूज करता हूं सेल्फ सेंटरिंग चक लेकिन अगर बाहर जो है स्केल लगा हुआ है रस्ट लगा हुआ है नीट एंड क्लीन नहीं है उस दौरान मैं यूज करता हूं बच्चों कौन सा फोर जॉ चक क्लियर हो गया होगा बच्चों मैग्नेटिक चक थ्री जॉ चक फोर जॉ चक क्वालेट चक अच्छा क्वाल चक क्या होते हैं बच्चों देखो फोर जॉ चक थ्री जॉ चक में हम एडजस्ट करके किसी भी डायमीटर को हम उसमें बांध सकते हैं जितनी उसकी सीमा होगी

इतनी इतनी बात बात मेरी क्लियर क्लियर होगी होगी अलग-अलग साइज में आपके चक जो है मिलते हैं है बच्चों और quarter pin. Quarter और हम पढ़ते हैं बच्चों ज्वाइंट होते हैं आपके ये भी आपके क्या होते हैं आपके ज्वाइंट्स है ये भी पावर ट्रांसमिट अगर हमें करनी होती है तो उस तो उसमें हम ये पढ़ते हैं बच्चों क्वार्टर टेपर क्वार्टर ज्वाइंट तो क्वार्टर जो होते हैं बच्चों आपके उसमें जो टैपर होता है वो कितना होता है वो okay, कितना बच्चों कितना होता है कोई मुझे बताएगा इसका बच्चों? कोई मुझे बताएगा कोई मुझे बताएगा बिल्कुल बच्चों रविंद्र हंसा कह रहे हैं स्क्रॉल थ्रेड होती है सर थ्री चौचक में बिल्कुल होती है, और किस पे बनी होती है बच्चों उसको प्लेट कहते हैं उसमें राउंड एक थ्रेड कटे होते हैं राउंड थ्रेड स्क्रॉल प्लेट स्क्रॉल थ्रेड किस पे कटे होते हैं स्क्रॉल प्लेट पे बिल्कुल बिल्कुल बच्चों बिल्कुल सर वेल्डर ट्रेड के लिए सर स्यू सॉर्ट सॉ बच्चों इतने मैसेज सर वेल्डर वेल्डर बच्चों मैंने कहा ना मैं ले ले रहा हूं वेल्डर को कहीं नहीं जा रहा हूं मैं मैं जा रहा हूं मैं ले रहा हूं तो मैं वेल्डर के मैं ले रहा हूं मैंने एक बार आपको बोला ना कि मैं ले रहा हूं मतलब ले रहा हूं तो मैं ले रहा हूं लूंगा बच्चों में इसके साथ मुझे और चीज भी और चीज भी कवर करनी है आप थोड़ा सा ये समझिए मैंने आपको बहुत बार बच्चों कहा है वेल्डर मैं आपको करवा रहा हूं मैं कहीं छोड़ के नहीं जा रहा हूं वेल्डर में धीरे, धीरे 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 बच्चों कवर करूंगा तो मेरे को भी बहुत सारी चीजें बच्चों बहुत बहुत बच्चों का एमसीयू भी करवाने फिर बच्चों पेड वाले लेक्चर भी लेने बहुत सारी चीजें कवर करनी होती है ठीक है तो मैं लूंगा बच्चों धीरे धीरे थोड़ा सब्र रखे पेशेंस रखे बच्चों ठीक, अच्छा मिलेगा मैं बच्चों अगर तीन दिन बाद भी आपको चार एक हफ्ते बाद भी दूंगा ना भले पंद्रह मिनट का दूंगा लेकिन दूंगा अच्छा ठीक, इतना आप विश्वास किए चिंता ना कीजिए बच्चा इसमें फालतू तो कमेंट ना करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक चीज आपकी रिक्वेस्ट समझ लो इसे या मेरा मैसेज समझ लीजिए केवल मैकेनिकल का एक आ, हमारा बहुत अच्छा हो रहा है कि यहां पर कभी कोई फालतू कमेंट नहीं करते बच्चों एक मैकेनिकल के जो बच्चे होते हैं बच्चों उनकी एक खासियत होती है वो कभी भी जगह जब कमेंट करते हैं ना तो ना तो आपस में उलझते हैं और ना कभी फालतू कमेंट नहीं करते हैं क्योंकि बच्चों इन फालतू कमेंट से ना आपका ही टाइम बर्बाद होगा ठीक और मुझे अगर लगेगा कि आप यहां पर आपका टाइम बस मैं तो क्या कर दूंगा बच्चों होल्ड कर दूंगा मैं उस तरफ मोड़ूंगा चीजों को जिसको जरूरत है ठीक तो फालतू कमेंट बच्चों ना करें ठीक फालतू कमेंट कभी ना करें उसमें मैं एक चीज बच्चों आप फालतू कमेंट कुछ भी कर करूँगा जिंदगी को जीना आसान नहीं होता जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है जिंदगी को जीना आसान नहीं होता है जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है कैसे कुछ सब्र करके कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके तो इस लाइन को बच्चों याद रखें थेक? तो चीजों तो चीजों को को नीच को नजर अंदाज करना भी सीखे बच्चों हर चीज में आप अगर कर कमेंट करेंगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं हो जाएगा अच्छा इंसान जो होगा ना बच्चों पढ़ाई के मामले में बच्चों को स्वार्थी होना चाहिए आप सामने से उतना ही कैप्चर कर दिए जितना आपका काम का है बाकी आप चीजों को नजरअंदाज कर दीजिए ठीक तो इतनी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों फालतू तो कमेंट में कभी भी ना करें बच्चों ये हमारे मैकेनिकल के जो बच्चे होते हैं उनकी एक खासियत होती है वो कभी भी अपनी मर्यादा एक, मर्याद, एक परंपरा जो होती है भले बच्चों हम दूर हैं हम आपसे बहुत दूर हैं ठीक ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं लेकिन आप आपस में ही क्या कर रहे हो कमेंट कर रहे हो फालतू तो चीजों में उलझ रहे हो उतना ध्यान बच्चों यहाँ पर दीजिए ठीक तो मैं मुझे उम्मीद नहीं बच्चों पूर्ण विश्वास है आप मेरी इस चीज को मानेंगे और मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे ठीक अजय कुमार सर फिटर की क्लास नहीं होती है क्या बच्चों फिटर की क्लास मैं आपको बोल रहा मैंने आपको बताया एक मैसेज में आपको बता रहा हूँ फिटर की क्लास आपकी हो रही है फिटर का हमारा डेडिकेटेड बैच जो है बच्चों डेडिकेटेड बैच एक चल रहा है जो हमारा ढाई बजे से चलता है बच्चों फिटर का जो हमारी क्लास है वो ढाई बजे से चलती है लेकिन ये बच्चों पेड कोर्स है ये स्पेशल डीआरडी को फोकस करते हुए हमने ये कोर्स जो है बनाया है ठीक तो इसमें बच्चों फिटर की थ्योरीज भी हम पढ़ते हैं इसके अलावा बच्चों नॉन टेक वाला पोर्सन जो है वो भी कवर करते हैं ठीक वो भी हम क्या करते हैं कवर करते हैं इतनी बाद मेरी क्लियर होगी बच्चों ठीक लास्ट क्वेश्चन था बच्चों स्टैंडर्ड टैपर यूज इन क्वार्टर स्टैंडर्ड टैपर जो क्वार्टर में होता है बच्चों वो कौन सा होता है वन इजू फिफ्टी वो कितना होता है वन इज टू फिफ्टी वन रेशियो फिफ्टी जो होता है आपका क्या होता है इसका आपका टेपर जो होता है और की जो होती बच्ची आपकी जो की होती है उसमें जो आपका टैपर्स होता है टेपर होता है वो था आपका वन रेशियो हंड्रेड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जनरली आपसे पूछे जाते हैं ठीक है थीके? तो बच्चों आज के लिए इतना ही थैंक यू तो अगले जो एमसीक्यू नेक्स्ट पच्चीस जो एमसीक्यू है डेली हम कोशिश करेंगे बच्चों कम से कम पच्चीस एमसीक्यू जो हमारे सॉल्व हो जाए क्योंकि देखो बच्चों, एमसीक्यू एक तरफ से कराना हाँ सही गलत करना उसमें वो अलग बात है और चीजों को एक डिटेल में एक चीज अगर ऑप्शन है ऑप्शन के साथ तीन तीन चार चार चीजें क्लियर होना उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है तो ओके बच्चों थैंक यू ठीक वीडियो अगर अगर आपको पसंद आ रही हो बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा हो ठीक तो सब्सक्राइब जरूर करें शेयर जरूर करें लाइक जरूर करें ठीक और थोड़ा पेशेंस बनाए बच्चों थोड़ा सा जो है धीरे धीरे हम वीडियोज उसको बना लेंगे जैसे जैसे बच्चों हमें टाइम्स मिलेगा तो हम धीरे धीरे आपके हिसाब से बच्चों जितनी आपकी डिमांड है जो जो आप बताते हैं बच्चों की जैसे मेरे को हीट ट्रीटमेंट का बल बताया था तो उसकी जो है वीडियोज मैं बनाने की कोशिश करूंगा बताया जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा ओके थैंक यू बच्चों तब तक के लिए थैंक यू कर